हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टॉक रिसर्च सेंटर। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं टाटा मोटर के स्टॉक के बारे में। टाटा मोटर की जो कंप्लीट डिटेल है आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। जो लोग हमारे चैनल पे नए बने हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही जो बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर ले। इससे क्या होगा, आपको वीडियो की जो प्रॉपर नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे टाइम टू टाइम देखने को मिलती रहेगी। चलिए यहाँ पे आ जाते हैं screener.in पे। और ये जो वीडियो बनाया जाता है ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज से, ना कि यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट पर्पज से। टाटा मोटर करेंटली ट्रेड हो रहा है 843 रुपीज के आसपास। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पे करीबन मुहूर्त ट्रेडिंग में 1% से अब ज्यादा का अपसाइड यहाँ पे देखने को मिला। मार्केट कैप ये जो होल्ड करता है 3,10,000 करोड़ का मार्केट कैप होल्ड करता है। 1180 रुपए के आसपास इसने हाई बनाया था और लो इसका था 641 रुपए के आसपास। प्राइस टू अर्निंग रेशियो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे करीबन 9.14 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो चल रहा है। बुक वैल्यू स्टॉक का 255 के आसपास है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे जबरदस्त टाटा मोटर के स्टॉक में देखने को मिल रही है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड करीबन 20% है और रिटर्न ऑन इक्विटी जो है 49.4% है। फेस वैल्यू स्टॉक की जो है वो दो देखने को मिल रही है। अब आते हैं मेन मुद्दे की बात, यहाँ पे टेक्निकल चार्ट पैटर्न। टेक्निकल चार्ट पैटर्न क्या इंडिकेशन दे रहा है, मैंने पहले भी डिस्कस किया है टाटा मोटर कई बार अपने चैनल पे। ये जो ट्रेंड लाइन जो चल रही थी इस पे सपोर्ट ले रहा था और जो हॉरिजॉन्टल लाइन जिस पे था सपोर्ट, ये दोनों एक ही पॉइंट पे आके मीट कर रहे थे। इसीलिए मैं कहा था कि अगर ये लेवल जो है 1044 का लेवल, 1040 का लेवल अगर ये ब्रेक करता है तो यहाँ पे बहुत तेजी से गिरावट देखने को मिलेगी। वही हुआ, वहां से गैप डाउन हुआ स्टॉक और उसके बाद कंटिन्यूअसली नीचे की ओर गिरावट देखने को टाटा मोटर के स्टॉक में मिल रहा है। अभी जो नेक्स्ट सपोर्ट नजर आ रहा है हमको वो यहाँ पे 790 का यहाँ पे नेक सपोर्ट नजर आ रहा है। इस सपोर्ट के आसपास आके हो सकता है टाटा मोटर यहाँ पे रिवर्स ले। अब इसका जो रीजन था गिरने का, दो बड़े मेन कारण थे, एक्चुअली दो नहीं बहुत सारे बड़े कारण हैं। पहला जो बड़ा कारण था मार्केट कंटिन्यू फॉल हो रही है। अब मार्केट किस वजह से फॉल हो रही है, FII का जो फ्लो है वो यहाँ पे निगेटिव हो गया है और हाइजेस्ट एवर यहाँ से पैसा एक मंथ में FII लेके गए हैं। तो उस कारण से यहाँ पे टाटा मोटर के स्टॉक सारे, एक्चुअली सभी स्टॉक में यहाँ पे फॉल देखने को मिला है। दूसरा जो रीजन है यहाँ पे, जो ऑटोमोबाइल सेक्टर की कमेंट्री आ रही थी यहाँ पे, जैसे बजाज ऑटो, TVS, हीरो मोटोकॉर्प, इनकी जो कमेंट्री आ रही है वो यहाँ पे थोड़ी सी नेगेटिव आ रही है। इस कारण से भी यहाँ पे टाटा मोटर का जो स्टॉक है वो यहाँ पे डाउन साइड देखने को मिला, क्योंकि फ्यूचर आउटलुक अगर पॉजिटिव नहीं होगा तो यहाँ पे स्टॉक सस्टेन नहीं कर पाएगा। पीयर्स में अगर आप देखोगे अशोक लेलैंड है, टाटा मोटर है, फिर ओलेक्टा ग्रीन टेक है। क्वार्टर के रिजल्ट की अगर हम बात करें, एक एक पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं जून क्वार्टर से लेके जून क्वार्टर। यहाँ पे देखोगे जून क्वार्टर से लेके जून क्वार्टर में जो सेल्स है ईयर ऑन ईयर यहाँ पे बढ़ गई है, 1,02,000 करोड़ से बढ़ के हो गई है 1,08,000 करोड़। बट क्यू ऑन क्यू बेसिस पे यही 1,19,000 करोड़, 1,20,000 करोड़ से घट के 1,08,000 करोड़ ही बची है। तो क्यू ऑन क्यू बेसिस पे यहाँ पे जो सेल्स है उसमें गिरावट देखने को मिल रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा खास नहीं है, वो भी यहाँ पे साल दर साल तो थोड़ा सा आपको अच्छा देखने को मिलेगा, बढ़ के आया है, बट क्यू ऑन क्यू बेसिस पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे नेगेटिव ही यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अदर इनकम की बात करें तो अदर इनकम यहाँ पे बढ़ के आई है, इस क्वार्टर हाईएस्ट एवर इनकम यहाँ पे आई है अदर इनकम में। अब इसके बाद भी इंटरेस्ट और डिप्रिसिएशन, ये यहाँ पे टाटा मोटर के लिए बहुत भारी चीज है। इंटरेस्ट यहाँ पे कंपनी पे कर रही है 2,088 करोड़ के आसपास और डिप्रिसिएशन कंपनी का हुआ है 6574 करोड़ के आसपास। तो ये दोनों मिला के ही ये कितना खा जाते हैं, 8,500 करोड़। जो भी यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया उसमें 8,500 करोड़ तो यही खा गए। 8,500 करोड़ अगर ये खा गए, ये तो रहने ही वाला है, ये कंटिन्यू चल रहा है। अगर यहाँ पे 8,500 करोड़ ही यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा तो यहाँ पे प्रॉफिट माइनस में भी चला जा सकता है। टैक्स बिफोर
प्रॉफिट जो है बिफोर टैक्स कितना आया है वो अगर आप देखोगे तो करीबन यहाँ पे 8,870 करोड़ के आसपास आया है, जबकि इसके पहले ये जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स हुआ करता था वो माइनस में हुआ करता था। नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो नेट प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो 5,692 करोड़ के आसपास आया है, जबकि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 3,301 करोड़ के आसपास आया था और लास्ट क्वार्टर यहाँ पे 17,529 करोड़ के आसपास आया था, जो कि हाईएस्ट एवर यहाँ पे देखने को मिला था। उसके बाद फिर से यहाँ पे डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, तो ये चीजें यहाँ पे होती रहेंगी, आपको थोड़ा सा कामकाज संभल के करना पड़ेगा। ये क्यों आया था प्रॉफिट इतना ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे कंपनी ने टैक्स माइनस में 87% दिया था, इस कारण से यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी नेट प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई थी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर साल दर साल यही चीजें देखोगे तो टाटा मोटर की जो सेल्स है वो बहुत ज्यादा नहीं बढ़ रही है, कॉन्स्टेंट थी या ऑलमोस्ट ट्रेलिंग 12 मंथ में और मार्च 2024 का जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ उसमें। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अगर देखा जाए तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा है, 60,000 से 62,000 करोड़ हुआ है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी अगर देखा जाए तो ये थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, 27,955 करोड़ से बढ़ के हो गया है 31,912 करोड़। वो बताया ना टैक्स के कारण यहाँ पे टैक्स माइनस 87% है, तो ये ट्रेलिंग 12 मंथ का यहाँ पे है। इस कारण से नेट प्रॉफिट अगर देखा जाए तो नेट प्रॉफिट भी 32,000 करोड़ अप्रोक्स से बढ़ के हो गया 34,000 करोड़ के आसपास। तो इम्प्रूवमेंट है, बट क्वार्टर वाइज अगर देखो तो इम्प्रूवमेंट थोड़ा सा बिगड़ रहा है, सेल्स कम हो रही है, जिसके कारण यहाँ पे जो फ्यूचर की ग्रोथ है उस पे थोड़ा सा डेंट दिखाई पड़ रहा है। और कमेंट्री भी ऐसी आ रही है कि यहाँ पे के फ्यूचर में जो सेल्स है वो यहाँ पे कम होने वाली है, इस कारण से भी प्राइस करेक्ट हो रहा है। रिजर्व यहाँ पे कंपनी का क्या है, रिजर्व यहाँ पे देख सकते हो 84,000 करोड़ के आसपास रिजर्व है। बोरोइंग यहाँ पे कंपनी ने क्या किया है, अपना कम किया है, कर्जा को कम किया है, कर्जा कम अगर हो गया इसका टाटा मोटर का अगर रिजर्व सॉरी बोरोइंग ये कम होता गया और ये खत्म ही हो गया एक्चुअली मान के चलो, तो इसका बहुत सारा पैसा ये जो अभी इंटरेस्ट में पे कर रही है वो बच जाएगा। कैपिटल वर्क इन प्रोसेस में कितना पैसा है, 35,698 करोड़ के आसपास। ये चीजें यहाँ पे अच्छी है, इन्वेस्टमेंट भी है, फिक्स एसेट्स भी है, सारी चीजें अच्छी हैं, बट थोड़ा सा सेल्स से यहाँ पे डाउन हो रहा है। कैश फ्लो भी पॉजिटिव है। अगर इन्वेस्टर की बात करें, इन्वेस्टर में यहाँ पे अगर आप देखोगे तो प्रमोटर के पास 42% स्टेक है, FII की इंक्रीज हो गई है होल्डिंग 20%, DII की भी इंक्रीज हो गई है होल्डिंग 16.08% और पब्लिक की होल्डिंग 20% के आसपास है। तो मेजॉरिटी ऑफ होल्डिंग जो है 75% से ऊपर यहाँ पे बड़े प्लेयर के पास है। आपको टाटा मोटर का जो आउटलुक है वो यहाँ पे कैसा लगा, सेल्स को लेके मैं अभी भी कॉशियस हूँ, जिसके कारण यहाँ पे स्टॉक प्राइस में फॉल देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ पे इंक्रीज नहीं हुआ और रिजल्ट भी वीक आए सितंबर क्वार्टर के, तो यहाँ पे हो सकता है 641 का जो लेवल है 52-week low उसको टच करता हुआ टाटा मोटर दिखाई पड़े। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए बने चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।